कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। सो आज है मेरे फ्रेंड जो कि शिवम है, आज उसका एक पोएट्री का शो है, ठीक है। तो आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे, चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे जो अपने पोएट्री जो है वो बोलेंगे वहाँ पे। और मेरे साथ शिवम चल रहा है जो कि मेरा बैचमेट है, मेरे ही साथ पढ़ता है। और यहाँ पे अभी शिवम आ चुका है मेरे रूम पे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे रूममेट भी सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा पोएट्री का शो होता है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए ये भी चलते हैं हम लोग, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं स्मोक की कैफे है। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे अंदर चलेंगे और मेरे साथ यहाँ पे शिवम है। तकरीबन अभी 11 बजे और 11 बजे हम लोग की टाइमिंग थी आने की, तो हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर का पूरा व्यू। मेरा पहला शेर उस पे है कि फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा बंजारा हुआ था, सेकंड में आके मैं पागल आवारा हुआ था, थर्ड ईयर में पहली पहली बार इशारा हुआ था, कुछ इस तरह फोर्थ ईयर में वो हमारा हुआ था। तुम मायूस क्यों बैठे हो, तुम्हें क्या हुआ है? आंखें भरी है और मुंह सूजा हुआ है। जिस कदर टूटे हुए तुम दिख रहे हो, लग रहा है इश्क में धोखा हुआ है। हालांकि एक जिंदगी में रिश्ते तो बहुत बनते हैं, कुछ लोग होते हैं उसको संभाल ले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी गलतियां देख के रिश्ते को त्याग देते हैं। तो रिश्ते निभाना भी एक कला होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी पे मैं 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ कि है बहाने बहुत तोड़ने के लिए, एक हुनर चाहिए जोड़ने के लिए। मैं तो मिलता नहीं अब नए लोगों से, लोग आते ही हैं छोड़ने के लिए। हालांकि कोई जिंदगी में रहे या न रहे, पर किसी के साथ प्रेम हो गया तो उसके साथ बिताए हुए पल हमेशा याद रहते हैं, उसको आप भूल नहीं सकते हैं। चाह करके तो इसी पे 4 लाइनें हैं कि मेरी सांसों के हर एक रवानी में थी, थी वो यादों में आंखों के पानी में थी, वो नहीं थी तो केवल मेरे हिस्से में, वरना शामिल तो हर एक कहानी में थी, हालांकि जो लोग छोड़ जाते हैं तो उनकी मर्जी, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। इस समय अमित भाई हमारे साथ आए हैं, आप एक लाइफ स्टूडेंट हैं, हम भी लाइफ स्टूडेंट हैं, तो उसी को आपके 4 लाइनें सुना रहे हैं कि ज्ञान के दीप एक दिन जलाओगे तुम, न्याय का मार्ग जग को दिखाओगे तुम, तुम हो पर्याय उन्नति सफलता के, माने हमें दोस्तों का बढ़ाओ, बताइए अपना
अपना आंगन आज बट गए आंगन के दोनों छोर, बताइए अपना आंगन आज बट गए आंगन के दोनों छोर, क्यों खड़ी दीवार है आंगन में दीवार को गिराते हैं, चलो अपनों को साफ लाते हैं। अभी हम लोग को सर्टिफिकेट मिल चुका है, देख रहे हैं अभी हम सभी लोग जा रहे हैं वापस घर ही गए थोड़ी सी। गाइस अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम लोगों को ई रिक्शा नहीं मिल रहा है तो हम लोग पैदल चल रहे हैं, देख सकते हैं इधर रोड है पूरा। ये जो इवेंट था गुलाचिन मंदिर है लखनऊ में एक, वहाँ पे ये इवेंट था बिल्कुल वहीं के पास में। अभी तक मजा आया और आज हमारे ब्लॉगर साहब ने भी आज ट्रिप बढ़ाया, उनको भी कभी वाली फीलिंग आ रही है जो मेरा लिखा हुआ नहीं था वो। आप लोग इनको बताइए, दे सकते हैं इनको भी सर्टिफिकेट मिला है फालतू वाला सर्टिफिकेट है। नहीं भाई मेहनत तो की, बहुत अच्छा बोला भाई, अप्रिसिएशन दे रहा हूँ भाई, जिस हिसाब से पहली बार बोला उस हिसाब से बहुत अच्छा था भाई, मुझे तो मजा आया। और लेकिन ये रहा कि काफ़ी टाइम लग गया, 11 बजे से हम लोग गए थे, अभी 3:30 के करीब है तो इवेंट काफ़ी लंबा था, लोग आते जा रहे थे बीच बीच में, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे पोइट्री कर रहे थे, एक लड़की थी वो इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग की थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये इवेंट। तो मैं पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैं ऐसे शो में गया था तो, और ऐसे लोगों के सामने मैंने पोइट्री भी बोली तो मज़ा आया, थोड़ा कुछ नया लोगों को देखने को मिला, सीखने को मिला। अभी चलते हैं, अभी हम लोग पैदल देखते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे इंजीनियरिंग चौराहे पे और फिर वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। हम लोग के लिए रुक गई है, तो गाइस अभी हम लोगों ने समोसा खा लिया, थोड़ा नाश्ता पानी हो गया क्योंकि वहाँ पे कुछ मिला नहीं था। और वहाँ पे एक व्यक्ति थे जो कानपुर से आए थे इस इवेंट के लिए, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से वो आए सिर्फ इस पोइट्री के इवेंट के लिए, बाकी ओवरऑल सब ठीक था। तो अभी हम लोग ये अपना सर्टिफिकेट ले के जा रहे हैं अपने रूम पे और ये मेरा दोस्त अपने रूम पे जाएगा, बाकी ये देख सकते हैं पीछे इंजीनियरिंग चौराहा है हमारे और इधर पूरा रास्ता इधर का। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। देखने के लिए शुक्रिया आपका, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अमित के ब्लॉग के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बने रहिएगा अमित के ब्लॉग के साथ। कि हमारी शायरियाँ आपको कैसी लगी अभी थोड़ा कमेंट में बताइएगा, हाँ ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। और इंस्टाग्राम से मेरे कनेक्ट हो जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा मुझे अमित मौर्या 21। तो चलिए बाय बाय, टाटा।